हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 11:10। आप देख सकते हो वहाँ वॉच में, और मैंने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। तो अभी देखिए, मैं नहा के आई हूँ, मतलब नहा के तो मैं बहुत पहले ही आई हूँ, और पर अभी मैं वो बच्चों को नाश्ता करा रही थी आलू का पराठा बना के, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको नाश्ता करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग शुरू करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। धूप बहुत अच्छी हमारी वहाँ हुई है। अब मैंने सारा कपड़ा जो है ना, जैसे कि गद्दा वगैरह जो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, रजाई, ये सब कुछ मैंने छत पे मतलब डाल दिया है, ताकि जो आज धूप बहुत ही अच्छा हुआ है तो वो सूख जाएगा थोड़ा सा। मैं भी आपको छत पे ले चलूँगी तो दिखाऊँगी कि धूप कितना अच्छा धूप जो है वो निकला है। तो चलिए दिखाते हैं कि पूरा मैंने जो बेड उड़ है मेरा वो सब खाली हो गया है। आइए दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये सब चला गया है छत पे। मैं चल रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं सुबह में मतलब सो के उठी थी, झाड़ू और मतलब घर की क्लीनिंग के बाद मैंने चाय बनाया था, पिया था, उसके बाद अभी मैं चाय नहीं पी हूँ, तो अभी चाय बना लेती हूँ। और ये देखिए छवि ना अपना पराठा वो ऐसा ही करती है, देखिए छोड़ दी है, खाई नहीं है, बोल रही पेट भर गया, एक ही पराठा में मेरा पेट भर गया है। तो मैंने कहा कि अब मैं उस समय छत पे थी, फिर छत से नीचे आई हूँ, धूप मतलब सारे जो गद्दे वगैरह है वो सब मैं डाल रही थी, तो इसकी वजह से मैं छत पे थी और वो कब छोड़ के चली गई मुझे पता ही नहीं चला। अगर मैं होती ना उसके पास तो मैं उसे जरूर बताती कि कम से कम दो पराठा तो खा लो। तो यहाँ बना लेती हूँ पहले चाय। चाय के लिए मैंने दूध ले लिया है, ये देखिए, क्योंकि हस्बैंड भी ब्रश करके आने वाले हैं तो उनको भी चाय चाहिए होगा, तो इसीलिए मैं अभी बना देती हूँ चाय। ये चाय के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है। और आज मैंने बनाया है लंच के लिए आलू गोभी की सब्जी, सरसों वाली, टमाटर डाल के, धनिया का पत्ती नहीं था इसलिए धनिया का पत्ती मैंने नहीं डाला, और यहाँ पर थोड़ा सा बैटर अभी बचा हुआ है आलू का, तो इसका भी मैं पराठा भी बना दूंगी। जब हस्बैंड खाना खाने जाएंगे ना, लंच करेंगे, तो उनके लिए बना दूंगी, उनके लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पे देखिए दाल जो है वो भी, दाल भी बन गई है, और रोटी वगैरह सब कुछ बन गया है। लंच लगभग लंच तैयार ही है, बस हस्बैंड के लिए जो है वो पराठा बनाना है। तो चाय में मैं डाल लेती हूँ चाय। सभी चलते हैं छत पे, और चावल लेके चल रही हूँ कि छत पे ही मैं चावल को चुन लूंगी। अभी बाथरूम का दरवाजा खुला है, और स्वेटर लेके जा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में धूप हो रहा है, थोड़ी देर में जो है वो बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। अब धूप, जब भी धूप होगा ना तो हवा तो पक्का चलना ही चलना है, पर अभी थोड़ा सा धूप है, तो चलिए चलते हैं छत पे। अभी बच्चे वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, प्लीज फ्लैग बना रहे हो, बताओ पढ़ाई करने बजाय तुम फ्लैग बना रहे हो। चलो कहाँ लगा देखें, बताऊँ कहाँ लगा देखें, बाथरूम में बताओ। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लैग लग गया, ये देखिए हमारा तिरंगा जो है वो लग गया है, जिनका घर मंदिर को लगाए हैं। और ये कहाँ गए हैं पता नहीं, बता के नहीं गए, पता नहीं गए हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी थोड़ा सा धूप खा लूंगी, फिर उसके बाद से जाऊंगी नीचे। और अभी हस्बैंड लग रहा है कहीं गए हुए हैं, उन्हें भी चाय देना है, और चावल मैंने चुन लिया है, तो अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी नीचे, तब फिर उसके बाद से सभी को मतलब चावल बना के सभी को लंच कराऊंगी। और बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा छवि को मैं पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी है ना बच्चों की ऑनलाइन क्लास की, तो उन्हें वर्क मिला है, तो वही वर्क मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ बच्चों का। तो कल मतलब बच्चों का जो है वो टेस्ट होगा छवि का, तो मैं छवि का तैयारी करा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, डायरेक्ट मैं अब आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर से जो है वो चाय बन रही है, सब्जी की तैयारी कर ली है, जैसे कि देखिए आज प्याज काट लिया है, और यहाँ पे मैंने मसाला भी पीस लिया है, लहसुन मिर्च अदरक, और लहसुन जो डेली रूटीन वाले मसाले होते हैं। हस्बैंड भी शायद आ गए हैं, और जा रही हूँ मैं आग जलाने, आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो आज उनका छुट्टी था, तो आज बनेगा अंडा कड़ी, क्योंकि आज के दिन नॉनवेज हमारे यहाँ बनना ही बनना होता है। सभी माचिस का है बेटा, माचिस। तो हस्बैंड आ चुके हैं, तो ये दिखाती हूँ आपको, वो सब्जी वगैरह लेके आ गए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ आग जलाने। हाँ आ रहे हैं, आ जाइए।
तो आज वो सब्जी वगैरह सब कुछ जो होता है ना वो आज के दिन ही आता है, क्योंकि आज छुट्टी रहता है तो वो रात में जाते हैं सब्जी वगैरह एक हफ्ते का सब कुछ ला देते हैं। और यहाँ पे मैंने देखी जला मैं देखी जलाने जा रही हूँ यहाँ पे आग। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप सोच रहे होंगे कि मैं मतलब कान वान नहीं रखी हूँ तो आग जलाऊंगी तो ऐसे गर्मी हो जाएगा, इसलिए मैंने कान नहीं ढका है। और मैं अभी काम कर रही थी ना तो बेड वेड सेट किया है तो इसकी वजह से मुझे ठंड नहीं लग रही है। चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने बेड जो है वो सेट कर दिया है। अच्छा अभी जो है वो कुछ खा रही है, यहाँ देखिए बेड मैंने सेट कर दिया है। इसमें खोली बस मुझे पहनाना ही, देखिए खोली मैंने धोया था सूख गया है पर अभी पहना ही नहीं हूँ क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं, अकेले मैं नहीं ना तो इसीलिए हस्बैंड आ गए उनके साथ मिल के मैं पहना लूँगी। और यहाँ पे चावल रखा है चुनने के लिए, तो चलिए पहले आग जलाते हैं। हटा देता इसको, तो फ्रेंड्स अभी अंडा आया है और देखिए मैंने अंडा जो है वो छील लिया है यहाँ पे रख दी हूँ और इसे पहले फ्राई करके बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे उसके बाद से मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरी दीदी का फोन आया है, मतलब फोन कर रही हूँ उससे बात करने जा रही हूँ। हेलो राधे राधे दीदी, हाँ हाँ वीडियो बना रहे हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने अंडे को बीच से कट करके उसे डाल दिया है और कुरकुरा होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। दोनों साइड से मैंने फ्राई किया, सौते कर लिया है और बाकी बचे अंडे को भी मैं ऐसे ही मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई मतलब सौते कर लूंगी। तो अभी देखिए हस्बैंड जो अंडा मतलब जहाँ से अंडा लाए थे ना वहाँ से मसाला भी लाए थे, वो लोग बनाते हैं ना जीरा वगैरह डाल के काला नमक, तो वही मसाला है, तो मैं वही मसाला है ये, तो मैं वही मसाला इस पे डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज कट करके रखा था, हरी धनिया और थोड़ा सा मैंने एक मिर्च लिया था हरी मिर्च, वो मैं सारे के ऊपर फैला दूंगी। मेरे बच्चे तो वैसे नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं बट मैं उन्हें डांट डपट के खिला ही देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं अभी, इन चीज़ों का उन्हें बहुत ज़रूरत है और हमारे यहाँ तो नॉनवेज चलता है तो इन्हें भी मतलब खाना ही पड़ता है आगे चल के, चाहे जैसा इनका मर्जी होगा खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो यहाँ देखिए सारे बच्चे जो हैं किचन में लगे हुए हैं, नहीं वही रखो अभी, और नहीं कल बनाएंगे। और यहाँ देखिए सारी सब्जियाँ जो हैं ग्रोसरी के सामान है वो हस्बैंड लगा रहे हैं डब्बों में और छवि रुपेज कर रहे हैं फ्रीज में जो सारी सब्जियां आई हैं। यहाँ देखिए छवि टमाटर लगा रही है और अंडा जो है वो फ्राई हो गया, ये आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए फ्राई अंडा। आ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों को ये सब आइटम पसंद ही नहीं है, लगता है कि मैंने उन इन लोगों को ना सजा दे दिया है, तो पहले इन लोगों को खिला लेती हूँ फिर मैं बात करती हूँ आप लोग से। करी बनाने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है सरसों के, फिर उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, जीरा जब गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो फिर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और जो मैंने मसाला तैयार किया था जैसा कि हरी मिर्च अदरक लहसुन प्याज टमाटर उन सब का मैंने पेस्ट डाल दिया है। और आज मैंने बारीक नहीं पीसा है, बस ऐसे ही दरदरे टाइप का पीस लिया है तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए हैं जैसे कि हल्दी नमक बस ये सब मैंने डाल दिए हैं और इन मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग बेसन डाला है और इसे भी मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लूँगी 1-2 मिनट तक अच्छे से चला चला के। तभी देखिए मसाला जो है वो बस थोड़ी देर में भून गया है अच्छे से, मसाला कितना अच्छा कलर आया आप देख सकते हो। तो अब जितने जन हैं उस हिसाब से हमें पानी इसमें ऐड कर देना है, तो हम मैंने अपने फैमिली को देखते हुए पानी ऐड किया है, 1.5 या 2 कप के लगभग होगा ये, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जितने लोग होंगे। फिर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता इस पे डाल दिया है और अब इसे कवर कर दूंगी कि अच्छे से उबाल आ जाए। तो अभी देखिए अच्छे से उबाल आ गया है, बस थोड़ा सा और ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा तो अंडा कड़ी का ग्रेवी रेडी है और यहाँ पर चावल भी बन गया है। फ्रेंड्स मैंने डिनर तैयार कर लिया है, रोटी अंडा करी और चावल, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं सभी को डिनर करा दूंगी, फिर मुझे किचन क्लीन करना होगा। उनसे बता दे रही हूँ कि मैं किचन बाद में क्लीन कर लूंगी जब सब लोग डिनर कर लेंगे, अभी मैं 10 मिनट बाद सबको डिनर करा दूंगी। और अभी हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट कम है और
तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आ जाइए अंडा कढ़ी चावल रोटी खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक।